नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चन। यहाँ से हम हर एक सेक्शन को जो है वो टच करेंगे। पार्ट टू जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट वन इससे पहले हम जीके का डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन से हम स्टार्ट करेंगे। हर एक सेक्शन के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटी का है। प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, देखिए इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एज इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। भारत के संविधान में शामिल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से उधार ली गई है? तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से उधार ली गई है? ये जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से उधार ली गई है। ऑप्शन डी जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से बोरो किए हैं, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एनश्राइंड इन। उस शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो देखिए, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 में जो है वो बात की गई है। इसकी ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमी का। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ RBI रेफर्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खुले बाजार के संचालन से तात्पर्य क्या है? इसके खुले बाजार से तात्पर्य है ऑप्शन बी ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको SIDBI कहा जाता है वॉज एस्टेब्लाइज इन विच ईयर? SIDBI की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन बी 1990 1990 में जो था वो SIDBI की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया दैट रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रण करता है? मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी को अगर कोई रेगुलेट करता है तो वो है ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, उससे पहले आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी आपको उसकी PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको और भी इंपॉर्टेंट PDFs जो है वो मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया इज। तो साउथ दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? तो ये है लाओस। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडियन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर। तो भारतीय इतिहास के अनुसार भारत का सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? यहाँ पर ओल्डेस्ट पूछा गया है। जब आपसे ओल्डेस्ट पूछा गया है तो अरावली पहाड़ियाँ जो है वो सबसे पुरानी मानी जाती हैं इतिहास के अनुसार। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज जोग फॉल लोकेटेड? तो जोग फॉल जो है, जोग जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये जो जोग फॉल है ये कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटका जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। हरिपुर वॉज द कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट। HPGK का क्वेश्चन है। तो हरिपुर किस रियासत की राजधानी थी? हरिपुर जो था वो राजधानी थी गुलेर की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गुलेर की स्थापना कब की गई ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है धांगी डांस इज अ परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो धांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले का है? धांगी जो है वो कहाँ का नृत्य है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का नृत्य है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस टाइम कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को अधिक से अधिक। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस डेली आपके लिए आएँ तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स अपना वीडियो में दीजिए ताकि डेली हम ऐसी वीडियोज़ लेकर आएँ और आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। देखिए, पढ़ाई तो हर कोई करता है, परंतु जब इस तरह के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एग्ज़ाम में अधिक हेल्प मिलेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ रोंगटोंग प्रोजेक्ट है। ये जो रोंगटोंग परियोजना है इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो इसको जो एग्जीक्यूट करती है एजेंसी वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है दी फोकल लेंथ ऑफ आर नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। तो एक सामान्य नेत्र लेंस की फोकल दूरी लगभग कितनी होती है? एक सामान्य लेंस की जो फोकल दूरी होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है लगभग। ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या पूछा गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड हैज़ सेलेक्टेड विच वर्ड एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2020। 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस हिंदी शब्द को चुना है?
तो आत्मनिर्भरता शब्द को चुना गया। अभी कल हमने एक करंट अफेयर्स की वीडियो डिस्कस की थी, उसका भी पार्ट टू हमने पिछले कल डिस्कस किया, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। तो करंट अफेयर्स के भी पार्ट वन पार्ट टू डिस्कस हो चुके हैं, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नेम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अमेजोन, अमेजोन के नए कार्यकारी अधिकारी जो बनाए गए हैं उनका नाम बताइए। उनका नाम है एंडी जेसी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, एंडी जेसी उनका नाम है। अगला क्वेश्चन फिर से साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है वन एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो एक एंगस्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर होता है। ये लिखा गया है 10^10, जैसे -20 लिखा गया है सबसे पहले, तो ये 10^10 करके है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10^-10 मीटर, ऑप्शन बी सही आंसर। तो 10^-10 मीटर जो है वो याद रखिएगा। शुद्ध शब्द बताइए, स्थाई किस तरह से लिखा जाता है, स्थाई ऑप्शन बी इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है राकेश का संधि विच्छेद क्या है, राकेश का संधि विच्छेद आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शन सी राका प्लस ईस, इस तरह से राकेश का संधि विच्छेद जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट करना है आपको इसको, तो यहाँ पर डैश डैश है दिया गया बीच में ये, तो अगर आप इसको देखेंगे कंप्लीट करने के लिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और कंप्लीट कीजिए, तब तक मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप पॉज करके सॉल्व कीजिएगा और मैं आंसर आपको बता दूंगा। अब इस क्वेश्चन को भी पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी आएगा, सन। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो ये हमने हर एक सेक्शन को यहाँ पर टच किया। अगर आपको लगता है कि किसी सेक्शन को टच नहीं किया और वो सेक्शन हमें टच करना चाहिए, तो अपने सजेशन दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।